नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। जब करे पुलिस गिरफ्तार, जाने अपना अधिकार। विधि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी से। पुलिस अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो वो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 का उल्लंघन है और पीड़ित व्यक्ति सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के तहत सीधे शिकायत दर्ज कर सकती है। मित्रों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल एवं योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किए जाते हैं उस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। आज इस वीडियो में जानते हैं कि जब करे पुलिस गिरफ्तार तो क्या है आपके अधिकार। मित्रों, जब कोई पुलिस पदाधिकारी आपको गिरफ्तार करने पहुंचती है तो सीआरपीसी के धारा 50 सब क्लाउज 1 के तहत उस पुलिस पदाधिकारी को गिरफ्तारी करने का कारण बताना होगा और एक पुलिस पदाधिकारी को वर्दी में रहना होगा, साथ साथ उसके जो नेम प्लेट हैं उसके पूरे नाम सुस्पष्ट अक्षर पे आएंगे। धारा 41B सीआरपीसी के तहत कोई पुलिस पदाधिकारी किसी को गिरफ्तार करती है उसका मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना होगा, जिसमें कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का भी हस्ताक्षर अनिवार्य होगा तथा जिस स्थान पर पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा वहां पे दो स्थानीय लोगों का भी हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा। जब कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो सीआरपीसी के धारा 50A के तहत पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वो अपने नज़दीकी रिश्तेदार मित्रों को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे और पुलिस पदाधिकारी भी सक्षम होंगे उनके नज़दीकी रिश्तेदार और रिश्तेदार को सूचना देने के लिए कि अमुक व्यक्ति फलाने केस में गिरफ्तार हो गया है और हमारे थाना में समसमित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 सीआरपीसी के तहत एक पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मेडिकल जांच कराने के लिए बाध्य होगा और जब उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के यहाँ जुडिशल रिमांड के लिए उपस्थापित करेगा उसके पूर्व उसका मेडिकल जांच कराना आवश्यक होगा। सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार कोई भी पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पास 24 घंटे से अधिक थाने में निरुद्ध नहीं कर सकता है, उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थापित करना बाध्यता है। सीआरपीसी के धारा 41D के अनुसार एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो अपने मनपसंद अधिवक्ता को बुला करके अपने केस के बारे में विचार विमर्श कर सके। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार कि एक पुलिस पदाधिकारी को कैसे गिरफ्तार करना चाहिए, इस धारा में अच्छी तरह से वर्णित है कि एक पुलिस पदाधिकारी जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसके साथ बल का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ उसको टच करेगा अर्थात उसको छुएगा और उसको परिणत करेगा, ना ही उसके साथ मारपीट की जाएगी, ना इसी के साथ अभद्रता व्यवहार की जाएगी और साथ ही साथ किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं करना है और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं करना है और स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस अनिवार्य होगी। मित्रों, अगर इतनी सारी जो अधिकार आपको सीआरपीसी में दिए गए हैं उसका अगर उल्लंघन पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है तो जब आपको पुलिस पदाधिकारी नज़दीकी मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपको उपस्थापित करता है तो आप पुलिस के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है तो उसका भी शिकायत आप मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। आपको पुलिस के द्वारा बदसलूकी की गई है तो उसका एक परिवाद पत्र आप दायर कर सकते हैं
ये सारे अधिकार हैं आपके, ये अधिकार आपको जानना जरूरी है। नमस्ते, इस तरह का वीडियो मैं बराबर अपडेट करता रहूंगा, आप हमसे बने रहिए। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह शो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।